डोसे, पिज्जा, समोसे, इन चीजों को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है और खुशबू ऐसी कि खुद को रोक भी नहीं पाते। लेकिन मैदे से बनी चीजें आपके स्वास्थ्य को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रही? मैदे से जुड़े क्या है मिथ्स एंड फैक्ट्स, आइए जानते हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मिथ्स हैं और फैक्ट्स हैं जो हम रिफाइंड आटे के बारे में नहीं जानते हैं। आम तौर पे हम काफ़ी रिफाइंड आटा अपनी डेली डाइट में खाते हैं, जैसे कि बिस्किट है या सूजी के रस्क हैं या मैदे की रोटी है, कुलचा है, ब्रेड है। तो नाम तोड़ के अगर हम देखें, नूडल्स से लेके ब्रेड, बिस्किट, रस्क, कुलचा या परांठा, जो भी हम खाते हैं उसमें इतना रिफाइंड फ्लार है कि हमें पता ही नहीं हम कितना रिफाइंड फ्लार रोज़ खाते हैं। अब हम सोचेंगे कि रिफाइंड फ्लार और नॉर्मल जो आटा है उसमें क्या अंतर होता है। नॉर्मल आटा, उसके अंदर अपना एक फाइबर मौजूद होता है जिसको हम चोकर कहते हैं, और जो रिफाइंड फ्लार है उसके अंदर ये चोकर निकाला जाता है। कई लोगों को ये लगता है, जो कि एक मिथ है, कि ये चोकर बेकार की चीज़ है और इसको फेंक देना चाहिए क्योंकि ये फाइबर है। मगर सच तो ये है कि इस फाइबर में, इसके अंदर छुपे हुए कई विटामिंस होते हैं, कई मिनरल्स होते हैं जो हम फाइबर के साथ फेंक देते हैं। एंड इनफैक्ट ये सिर्फ एक वेस्ट नहीं है, या एक चोकर एक वेस्ट चीज़ नहीं है जिसको हम फेंकते हैं। चोकर के साथ हम विटामिंस और मिनरल्स और अपनी सेहत को भी अलविदा कह देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है हमें पूरी पूरी मिले, मगर जो आटे की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसमें कुछ भाग तो चोकर में होता है और कुछ भाग ही आटे में होता है। तो अगली बार जब भी आप रोटी बनाएं तो उसका चोकर ना फेंकें। दूसरी चीज़ है, एक मिथ है कि अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो आपको बेसिकली कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से परहेज़ रखना है। मगर इस मिथ में एक जुड़ी हुई जो चीज़ है कि लोग ये नहीं जानते कि दूध, दही और पनीर, इसमें काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है और आपका शरीर भी कोलेस्ट्रॉल बना सकता है। ये आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा कि आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल बनाता है, और यही कोलेस्ट्रॉल आगे जाके बढ़ जाता है जिसको हम हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो फिर सवाल ये है कि हम अपने शरीर को कैसे रोकें कि वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण ना करें। उसका एक ही तरीका है कि आप कोशिश करें कि जो आपका जो लिवर है उसको आप हेल्दी रखें। बेसिकली आपके लिवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, मैन्युफैक्चर होता है, और अगर आपका लिवर कमज़ोर हो जाए तो वो कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर ज़्यादा बनाएगा, और इस कंडीशन में वो कोलेस्ट्रॉल जाके फिर हार्ट की नलियों में या आर्टरीज में ब्लॉकेज क्रिएट करेगा, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो पहली चीज़ है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ बाहर की चीज़ों से ही नहीं, अगर आपका लिवर कमज़ोर है तो आप भी, आपके शरीर भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना सकता है। और दूसरा मिथ ये है कि लोग नहीं जानते कि दूध, दही और पनीर में काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है, जो अगर वो कंट्रोल करें तो उनका कोलेस्ट्रॉल, एक्सटर्नल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कंट्रोल हो सकती है।